दोस्तों नमस्कार इलेक्ट्रिकल एंड मोड़ चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर के बिजली के बिल को किस तरीके से कम कर सकते हैं यहां पर हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे उन टिप्स का यूज करके आप अपने घर के बिजली के बिल को कम कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपने घर में इलेक्ट्रिकल की ऑडिट कराकर बिजली के बिल को कम कर सकते हैं यदि आपके घर के बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तो आप उसको किसी समझदार इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाइए चेक करवाने के बाद वो आपको बताएगा कि, कि किस कारण से आपके घर का बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर के अंदर जो वायरिंग होती है वायरिंग फाल्टी हो जाती है या वायरिंग अर्थ हो जाती है तो इस कारण भी बिजली का बिल ज़्यादा आता है उसके साथ ही हमारे घर के अंदर जो पुराने इक्विपमेंट लगे होते हैं उनके कारण भी बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो अपने घर की ऑडिट कराकर अपने इक्विपमेंट चेक कराकर आप बिजली के बिल को कम कर सकते हैं घर के बिजली के बिल को कम करने के लिए आप घर के अंदर डीमर स्विच यानी रेगुलेटर को लगा सकते हैं यदि आपको कम लाइट की ज़रूरत है तो आप रेगुलेटर लगाकर लाइट को कम कर सकते हैं जिससे आपकी बिजली भी बचत होगी और लाइट भी कम मिलेगी तो डीमर स्विच लगाकर आप बिजली के बिल को कम कर सकते हैं यदि आपके घर के अंदर फ्रिज है तो आप अपने फ्रिज को हमेशा फुल रखें यानी फ्रिज को हमेशा भर कर रखें यदि आप फ्रिज को खाली रखेंगे तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा फ्रिज को भर कर रखेंगे तो बिजली का बिल कम आएगा तो हमेशा इसी का ध्यान रखें कि घर के अंदर जो फ्रिज है उसको हमेशा फुल भर कर रखें घर के अंदर जो हीटर लगे होते हैं उसको आप लोअर टेम्परेचर पर सेट कर दें लोअर टेम्परेचर पर सेट करने से आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा क्योंकि आपका जो हीटर है वह कम चलेगा जिससे आपका बिजली का बिल भी तो कम आएगा उसके बाद जो हमारा वॉशिंग मशीन है वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े न सुखाकर हम कपड़ों को सीधा सूरज की रोशनी में सुखाएं जिससे वॉशिंग मशीन कम चलेगी जिससे भी हमारा बिजली का बिल कम हो सकता है इसी के साथ यदि हम कपड़ों को गर्म पानी में धोने की बजाय ठंडे पानी के अंदर धोएं तो उससे भी हमारा बिजली का बिल कम हो सकता है हम जिस सावर का यूज़ करते हैं उस सावर को हम दो मिनट तक यदि कम यूज़ करें तो हमारा जो पानी का टैंक है उसको भरने में भी कम समय लगेगा और पानी की मोटर कम चलेगी जिससे बिजली का बिल कम हो जाएगा तो बिजली का बिल कम करने के लिए हमें पानी का कम कंजप्शन करना होगा जिससे हमारे घर के अंदर पानी को टॉपअप करने के लिए जो मोटर चलती है वो कम चलेगी जिससे बिजली का बिल कम हो सकता है उसके साथ ही घर के अंदर जो भी हम नए इक्विपमेंट खरीद कर लाते हैं तो हमें एनर्जी इफिशियट इक्विपमेंट भी खरीदने चाहिए फाइव स्टार वाले इक्विपमेंट हमेशा परचेज करने चाहिए जिनसे बिजली की बचत होती है और बिजली का कंजप्शन कम होगा उसके साथ ही यदि हम जिन डिवाइस को यूज़ नहीं कर रहे हैं जैसा कि यदि हम एसी को यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर हम कूलर को यूज़ नहीं कर रहे हैं हम टीवी को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उनके जो प्लग हैं उनको भी निकाल देना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि जो प्लग लगा होता है तो ए के अंदर या फिर फ्रिज के अंदर या फिर कूलर के अंदर जो इक्विपमेंट लगे होते हैं वो पावर का कंजप्शन करते रहते हैं तो हमें उनका प्लग निकाल देना चाहिए यदि हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके साथ ही यदि हम घर के अंदर ए चलाते हैं तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो डोर है हमारी जो विंडो है वो पूरी तरीके से सील रहे नहीं तो क्या होगा कि हमारा जो ए की ठंडी हवा है वो गेट से या फिर विंडो से बाहर निकलती रहेगी और ए हमारा कंटिन्यू पावर का कंजप्शन करता रहेगा इससे भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है तो हमें इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए उसके साथ ही क्या होता है कि एसी की जो डक्ट होती है एसी की जो इंडोर से आउटडोर पे डक्ट लगी होती है जो पाइप लगे होते हैं उनके ऊपर एक इंसुलेशन की परत चढ़ाई होती है वो परत कुछ समय बाद डैमेज हो जाती है परत डैमेज होने से क्या होता है कि जो ए की कूलिंग है वो भी इफेक्ट होती है और बिजली का बिल भी ज़्यादा होता है तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो परत डैमेज ना हो पाए और यदि डैमेज हो जाए तो हमें उसे तुरंत रिपेयर करा देना चाहिए इससे भी बिजली की बचत कम हो सकती है यदि आपके घर के अंदर ओवन और माइक्रोवेव दोनों हैं तो ओवन की जगह आपको माइक्रोवेव का यूज़ करना चाहिए माइक्रोवेव जो होता है वो बिजली का कम कंजप्शन करता है और हमारा जो खाना है उसको भी जल्दी पकाता है तो माइक्रोवेव को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लें ओवन की जगह तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको टिप्स बताई है इन टिप्स का यूज करके आप बिजली के बिल को फिफ्टी परसेंट तक कम कर सकते हैं इसके अलावा बिजली के बिल को कम करने की कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको टिप्स बताई है इन टिप्स का यूज़ करके आप बिजली के बिल को आसानी से कम कर सकते हैं और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो थैंक यू थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत